एग्जाम्पल रिलेटेड टू रिकर्सन प्रोग्राम्स। इन केस ऑफ रिकर्सन, रिकर्सन के केस में अगर नॉर्मली बात की जाए तो प्रॉपर्टी वाइज इस केस में कोई भी स्पेशल रूल्स नहीं, सिंपली प्रोग्राम्स होंगे जो कि आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करना वन बाय वन। वी आर डिस्कसिंग ऑल टाइप्स ऑफ रिकर्सन ये थ्रू एग्जाम्पल्स। इन दैट केस, इस केस में एम वन फंक्शन के अंदर अगेन रिकर्सिवली कॉल किया हो रहा है एम वन इट सेल्फ, मीन्स टोटली इसके अंदर लाइन्स कितने, 1, 2, 3, 4। इन दोनों केस में बात करें, अगर इफ को चांस मिलेगा देन कॉल किया हुआ एम वन, अगर इफ कंडीशन ट्रू है देन इसको मैं कंसीडर करना चाहिए स्टेटमेंट वन। इस लाइन नंबर वाइज, अगर स्टेटमेंट वाइज इसको मैं काउंट करना चाहिए स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, इस टोटल कितने स्टेटमेंट कंसीडर होने जाए, 3 स्टेटमेंट। देन इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग स्टैक डायग्राम, यूजिंग स्टैक डायग्राम। देन लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम और आउटपुट ऑफ दिस कोड। रिकर्सन के समझने के लिए प्रोग्राम सबसे इजी और सबसे यूजफुल केस है, क्योंकि इस केस में सारे केस वेरीफाई हो रहे हैं। फर्स्ट वन, सबसे पहले कॉलिंग स्टार्ट करें फ्रॉम मेन फंक्शन, देयरफॉर मेन इज लोडेड टॉप ऑफ द स्टैक। आफ्टर द मेन के अंदर इटसेल्फ कॉल क्या हो रहा है एम वन फंक्शंस, मीन्स एम वन फंक्शन देन अगेन का लोड हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक। लेकिन एम वन के केस में करेंटली वैल्यू पास किया जाए 3, लाइक दैट। एम एन जितनी बार भी कॉल होगा एम एन के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम टोटल कितने स्टेटमेंट्स प्रोसेस करने नीड है, देयर आर 3 स्टेटमेंट। मैं इसको काउंट कराया जाए 1, 2, 3, दैट 1, 2, 3 एवरी टाइम। फर्स्ट वन, सबसे पहले जैसे ही एम एन कॉल होगा एम एन के लिए आर्गुमेंट पास किया जाए 3 असाइन टू द वेरिएबल एन। एम एन के अंदर ओनली सिंगल वेरिएबल लोकल वेरिएबल फाउंड रहा है एज अ एन, इसलिए एवरी टाइम जब भी एम एन फंक्शन कॉल होगा देन मेमोरी किसके लिए एलोकेट कराएंगे, फंक्शन एन के लिए। नेक्स्ट वन, इन दैट केस जैसे ही एम वन फंक्शन कॉल हो इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट डायरेक्टली डिस्प्ले किया हो रहा है प्रिंट एप के थ्रू, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एन। करेंटली एन का वैल्यू इनिशियली क्या फाउंड हो रहा है 3, क्योंकि ड्यूरिंग कॉलिंग टाइम इस प्लेस पर सप्लाई किया जाए 3 पास होगा 3 आसान किस्म जाए एन में, एंड एन के अकॉर्डिंग डिस्प्ले किया हो रहा है वैल्यू एज 3 एन स्पेस। आफ्टर दैट इफ कंडीशन टेस्ट होगा 3 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज 2, कंडीशन 2 देन अगेन कॉल क्या हो रहा है इसके इसमें, मीन्स फर्स्ट क्या प्रिंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट प्रोसेस होगा इसलिए इसको मार्क करना जाए राइट। देन सेकेंड केस, सेकेंड स्टेटमेंट कॉल होगा इसके लिए, सेकेंड के अकॉर्डिंग कंडीशन ट्रू इसलिए अगेन कॉल क्या हो रहा है एम वन, सप्लाई क्या हो रहा है एन माइनस वन। तो नेक्स्ट टाइम जब एम वन फंक्शन कॉल होगा विदाउट कंप्लीटिंग प्रीवियस एम वन, प्रीवियस एम वन में टोटल 3 स्टेटमेंट है लेकिन करेंटली कंप्लीट कितने हुए ओनली 2 स्टेटमेंट, मीन्स इस केस में मिडिल स्टेटमेंट क्या है रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग। तो रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग में इससे पहले जितने भी स्टेटमेंट पढ़ गए वो सारे फंक्शन इस फंक्शन से पहले प्रोसेस हुए, सारे स्टेटमेंट फंक्शन कॉलिंग से पहले प्रोसेस हो जाएंगे। इनको नेम देंगे जब प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट, दैट वन इज अ पोस्ट प्रोसेसिंग, मीन्स रिकर्सन जब नेक्स्ट टाइम इसको चांस मिलेगा देन रिमेनिंग स्टेटमेंट कंटिन्यू होंगे। तो फाइनली इस केस में कॉल का कॉल के स्पेस हुआ सेकंड प्लेस पर, तो कंट्रोल जब नेक्स्ट टाइम एम वन में वैल्यू क्या पास हुआ है एन माइनस वन मीन्स 3 माइनस 1 इज 2, देन अगेन मेमोरी एलोकेट किसके लिए हुआ एन के लिए, वैल्यू कितना पास हुआ 2। दूसरा केस, जब इसे एम वन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा देन जब कंट्रोल कहाँ रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस इन विच प्लेस सेकेंड केस, देन नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू क्या हुआ 3, थर्ड स्टेटमेंट ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट नाउ करंट टाइम टॉप एम वन के लिए फिर से काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना 1, 2, 3 एवरी टाइम एम वन के रिस्पेक्ट में कितने स्टेटमेंट प्रोसेस करने नीड है 3 स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट टाइम फिर से फर्स्ट प्रिंट ऐप को चांस मिलेगा मीन्स दिस वन इज कम्प्लीटेड, देन प्रिंट ऐप के अकॉर्डिंग डिस्प्ले का हो जाए वैल्यू ऑफ एन और एन का वैल्यू 2 फाउंड हो रहा है इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ 2। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगेन कंडीशन टेस्ट हुआ, कंडीशंस के अकॉर्डिंग फाउंड क्या हो रहा है एन, वैल्यू ऑफ एन इज 2, 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज 2, 2 देन अगेन एम वन कॉल होगा एन का वैल्यू 2 है 2 माइनस 1 पास क्या होगा 1। नेक्स्ट टाइम कंट्रोल कहाँ सेंड हो जाए अगेन एम वन, वन मोर टाइम लोड किया जाए फंक्शन लेकिन इस बार वैल्यू कितना पास हुआ 1। नेक्स्ट टाइम एम वन कॉल होगा मीन्स फर्स्ट प्रीवियस एम वन के लिए फर्स्ट केस कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड केस कंप्लीट हो चुका है, पेंडिंग क्या अगेन थर्ड केस, देन अगेन मेमोरी एलोकेट करेंगे लोकल वेरिएबल एन, एन के लिए नेक्स्ट टाइम वैल्यू 1 पास किया इसलिए आसान क्या कराएंगे एज अ 1। नेक्स्ट टाइम जब एम वन कॉल होगा तो अगेन इसके लिए कितने स्टेटमेंट प्रोसेस करनी नीड होगी एवरी टाइम 3 स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट कॉल होगा देन फर्स्ट के अकॉर्डिंग
प्रिंट क्या होगा वैल्यू ऑफ एन, और टॉप में एन का वैल्यू फाउंड हो रहा है वन, इसलिए डिस्प्ले क्या हो जाएगा एज अ वन। देन सेकेंड स्टेटमेंट प्रोसेस करेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन टेस्टिंग, एन का वैल्यू वन है, वन ग्रेटर देन जीरो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन अगेन एम वन फंक्शन कॉल होगा वन मोर टाइम्स, स्टैक के टॉप में अगेन लोड क्या करेंगे एम वन। ठीक है, एम वन में करेंटली प्रीवियस एम वन में एन एन का वैल्यू कितना है वन, वन माइनस वन इज जीरो, सप्लाई क्या हुआ इसके अंदर जीरो। टोटल स्टैक के केस में करंटली इसकी हाइट कितनी है फोर, लेवल्स कितने क्रिएट हो रहे हैं फोर लेवल्स। नेक्स्ट वन अगेन मेमोरी किसके लिए एलोकेट हुआ एन के लिए, लेकिन इस बार जब कंडीशन टेस्ट करेंगे एन के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वन जैसे जीरो के लिए कॉल होगा, इन दैट केस एन का वैल्यू कितना पास हो रहा है जीरो, देन जीरो के अकॉर्डिंग प्रिंट एफ, प्रिंट एफ को चांस मिलेगा तो प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग अगेन इसके लिए प्रोसेस कितने स्टेटमेंट कराना है थ्री स्टेटमेंट्स, एन का वैल्यू कितना पास हुआ रिसेंटली जीरो, नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ एन, तो एन के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ एन विच इज जीरो। नेक्स्ट वन एन का वैल्यू जीरो प्रिंट होने के जस्ट बाद देन इफ कंडीशन को चांस मिलेगा, मीन्स फर्स्ट केस कंप्यूटर देन सेकंड केस का इफ कंडीशन टेस्टिंग, इफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग कंडीशन कैसा है इस केस में जीरो ग्रेटर देन जीरो कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ सेंड होगा नेक्स्ट प्रिंट एफ, मीन्स इस केस में इस टाइम इस केस में एम वन को अगेन चांस पड़नी होगा। देन जब थर्ड स्टेटमेंट कंप्लीट होगा थर्ड के अकॉर्डिंग अगेन क्या प्रिंट एफ एन, और एन का वैल्यू जीरो देन वन मोर टाइम का डिस्प्ले जाएगा अगेन जीरो नेक्स्ट टाइम। अब टॉप एम वन कंप्लीट हो चुका है, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल कहाँ सेंड होगा रिटर्न बैक टू इट्स कॉलिंग प्लेस, दिस वन इज डिलीटेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ स्टैक, पॉप्ड फ्रॉम स्टैक। अब स्टैक के अंदर लॉजिकली कितने फंक्शंस कंसीडर होंगे ओनली थ्री मेन सॉरी फोर, वन टू थ्री फोर, टोटल आठ कितना था प्रीवियस केस में फाइव, अब कितना है फोर। प्रीवियस एम वन को लो तो एम प्रीवियस एम वन के लिए टोटल थ्री स्टेटमेंट थे, लेकिन बिगिनिंग टू स्टेटमेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड, देन डायरेक्टली चांस किसको प्रोवाइड करेंगे थर्ड स्टेटमेंट को, थर्ड मीन्स दैट वन मार्क किससे गया थ्री से, तो थर्ड केस में क्या प्रिंट एफ एन, और करेंटली एन का वैल्यू वन फाउंड, असली एन का वैल्यू कितना प्रिंट होगा एज अ वन नेक्स्ट टाइम। अब इसके इसके लिए तीनों स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, दैट्स व्हाई इट इज अगेन पॉप्ड। अब स्टैक में टोटल कितने एंट्री बचे हैं थ्री एंट्रीज, वन एंट्री फॉर मेन टू एंट्री फॉर एम वन। नेक्स्ट टाइम कंट्रोल कहाँ सेंड होगा रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस, जब कंट्रोल प्रीवियस कॉलिंग प्लेस पर आएगा तो प्रीवियस कॉलिंग प्लेस के लिए टोटल थ्री केस थे, बिगिनिंग टू स्टेटमेंट कंप्लीट, देन थर्ड स्टेटमेंट को कंप्लीट करें, थर्ड स्टेटमेंट मीन्स अगेन दैट वन। इस केस में प्रिंट एफ से अगेन क्या डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ एन, और करंटली इस केस में एन का वैल्यू कितना फंड हो रहा है टू, इसलिए प्रिंट एफ से भी क्या डिस्प्ले होगा टू, इसे स्पेस सफिशियंट नहीं इसलिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में टू। नेक्स्ट वन इस कॉलिंग के लिए भी तीनों स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, दैट्स व्हाई इट इज अगेन पॉप्ड फ्रॉम अ स्टैक, देन कंट्रोल सेंड हुआ इट्स कॉलिंग प्लेस, कॉलिंग प्लेस में भी टोटल एम वन के लिए कितने स्टेटमेंट हैं थ्री, थ्री में से टू कंप्लीट हो चुके हैं, जब लास्ट केस कंप्लीट करें तो लास्ट केस में अगेन दैट वन। प्रिंट एफ एन, एन का वैल्यू फाउंड हुआ थ्री, इसलिए डिस्प्ले क्या होगा इस केस में वैल्यू एज थ्री। नेक्स्ट वन इसे एम वन के लिए भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, देन कंट्रोल कहाँ रिटर्न बैक टू मेन फंक्शन, दैट्स व्हाई मेन इज कंप्लीट, देन मेन कहाँ सेंड करेगा कंट्रोल को रिटर्न बैक टू ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइनली आउटपुट क्या आएगा 3210123। सपोज दैट अगर मैं लास्ट प्रिंट एफ प्रोवाइड नहीं करता, अगर इसको कमेंट्स में प्रोवाइड कर दे देन प्रिंट क्या होगा ओनली 3210। सपोज दैट अगर फर्स्ट प्रिंट एफ कमेंट्स में दूसरा अनकमेंट है देन आउटपुट क्या आएगा 0123। अगर दोनों स्टेटमेंट अनकमेंटेड एंड देन 3210123, दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन में जो जहाँ भी आप फंक्शंस को कॉल कर रहे हो, फंक्शन के केस में जितने भी प्रीवियस स्टेटमेंट है कॉलिंग होने से पहले कंप्लीट होते हैं, रिमेनिंग स्टेटमेंट कब कंप्लीट हो जब कंट्रोल वापस आएगा, दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट रिकर्सन। वन मोर थिंग्स, सेम प्रोग्राम अगेन मैं नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्लीमेंट करूँगा यूजिंग ट्री डायग्राम, करंटली मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया यूजिंग स्टैक डायग्राम, जैसे था एक्चुअल वे नेक्स्ट केस में इम्प्लीमेंट करें यूजिंग ट्री डायग्राम, सेम कॉन्सेप्ट।